नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको गुजरात के नायलॉन खमन ढोकले की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। मैंने इसे गिलास में बनाया है, बहुत ही स्पॉन्जी और जालीदार बनाया है और बहुत कम समय और टाइम में बनके तैयार हो जाता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये शुरू करते हैं ढोकला बनाना। सबसे पहले एक बाउल लिया है और एक मैंने यहाँ छन्नी लिया है और यहाँ मैंने 300 ग्राम बेसन लिया है। बेसन को हमें छान लेना है। यहाँ मैंने इसको छान लिया बेसन को और यहाँ मैं 6 ग्राम नमक ले रही हूँ। 6 ग्राम से बिल्कुल भी ज्यादा नमक नहीं लीजिएगा और नाप में ये छोटे चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा है। और यहाँ मैंने 6 ग्राम सिट्रिक एसिड लिया है। सिट्रिक एसिड को नींबू का सत भी कहते हैं, नींबू और नींबू का फूल भी कहा जाता है। और यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच यहाँ पे चीनी के लिए है, ये पिसी चीनी है, आप वैसे भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीजों को मुझे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पहले। अब इसका हमें घोल तैयार कर लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। यहाँ मैंने 300 ग्राम बेसन लिया है तो 300 ग्राम ही पानी लिया है। बेसन में गांठे बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ तरह से हमें घोल लेना है। यहाँ मैंने 300 मिलीग्राम पूरा पानी डाल दिया। यहाँ पे मैंने घोल हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने 25 ग्राम मैंने यहाँ पे तेल लिया है। तेल में महक नहीं होनी चाहिए, तेल अच्छा वाला होना चाहिए। जैसे जैसे मैं नाप बता रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है। जो चीजों का आप उसके हिसाब से बनाएंगे तो बिल्कुल आपका हलवाई जैसा बनेगा। ये सारी चीजें मैं हलवाई के हिसाब से ही बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने 25 ग्राम तेल डाल दिया है। अब इसे हमें 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेना है। हल्दी डालना भूल गई थी, थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ और इसको मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया था। हल्दी को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ हल्दी तैयारी हो चुकी है। अब लास्ट में हमें यहाँ पे खाना सोडा डालना है, इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। तो ये मैंने एक छोटा चम्मच लिया है, जो छोटा टीस्पून होता है इसको हमें डाल देना है और डाल के इसको हमें मिक्स करना है अच्छी तरह से। और इसे 15 से 20 सेकंड तक इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मैं 20 सेकंड के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जिससे आपस में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और आप देख रहे होंगे इसके डालने के बाद कलर चेंज हो जाता है, ये फूल जाता है। तो मैं घड़ी के 20 सेकंड ही करूंगी, इससे ज्यादा नहीं करूंगी। यहाँ 20 सेकंड हो चुके हैं। अभी ना हमें गिलास में भर लेना है। यहाँ मैंने गैस में पानी रख दिया है, 2 गिलास पानी रखा है और साथ में एक प्लेट रख दी है। प्लेट इसलिए रखी जाती है जैसे कि गिलास हमारे अच्छी तरह से रख सके। इसमें हमारे 5 गिलास भी आ सकते हैं पर यहाँ मैं 3 गिलासों का ही बना के दिखाऊंगी। पानी में उबाल आने वाला है। यहाँ मैंने स्टील के गिलास लिए हैं ढोकला बनाने के लिए। इन सबको मैंने तेल लगा के अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया इस तरह से। और यहाँ मैंने एक छोटा सा कप लिया है, ये माइक्रोवेव में बनाएंगे। ये 1 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है, जब भी आपका मन करे 1 मिनट में बना के खा सकते हैं। और यहाँ मैंने एक गिलास लिया, देखते हैं हमारा बैटर कितना है। मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली है सब चीजों की इस तरह से। अब इनको मैं सब गिलासों में भर दूंगी इस तरह से। ये काम हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है, इसमें बैठ नहीं जाए इसलिए इस तरह से। और एक एक करके मैं रखती जाऊंगी भगोने में। यहाँ मैंने भगोने में रख दिए तीनों गिलासों को और गैस को हमें मीडियम पे करना है और ये 15 से 20 मिनट में बनके तैयार हो जाएंगे ये ढोकला। तो इसको मैं एक ब्रास से ढक दे रही हूँ। यहाँ पे कप में भी भर दिया है और एक मैंने यहाँ गिलास लिया है। तो ये मैं माइक्रोवेव में लगाऊंगी। माइक्रोवेव में हमें करना है सिर्फ, हम जैसे सिंपल खाना गर्म करते हैं उसी तरह से हमें पकाना है। तो ये सारा बैटर मैं इसमें भर दे रही हूँ। माइक्रोवेव में रख दिए गिलास और कप, आप देख सकते हैं। और इसको मैं बंद कर दे रही हूँ कि 1 से 1.5 मिनट में ही ये बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 1.5 मिनट के लिए लगा दिया है। यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं ढोकले को पकते हुए। अब हम देख लेते हैं ढोकला हमारा पका है नहीं पका है। और आप देख सकते हैं ढोकला हमारा पक चुका है। अब गैस को हमें बंद कर देना है और थोड़ा सा हमें ठंडा होने देना है। आप देख सकते हैं ये तीनों मैंने गिलास भी बना लिए हैं, माइक्रोवेव में भी तैयार कर लिए हैं। छोटे जो हमारे कप होते हैं इसमें सिर्फ 1 मिनट लगता है। जो छोटे से है मेरे, ये थोड़ा ज्यादा बैटर भर गया था, थोड़ा कम बैटर भरिएगा, निकल गया ये। तो इसमें 1.25 कप बैटर भरना है। और ये छोटे गिलास वाला मेरा खराब हो गया था और जो मेरा कप वाला था आप देख सकते हैं इसमें बैटर मैंने 1.25 भरा था तो ये पूरा भर गया है। और इस इतने बड़े में 2 मिनट लगते हैं। तो आपको ध्यान से बनाना है, माइक्रोवेव में बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। छोटे छोटे मिनी कप आप बनाएंगे, 1-1 मिनट में आपका ढोकला बनके रेडी हो जाएगा। तब ये ठंडे हो चुके हैं, इनको मैं निकालने का तरीका बताती हूँ। ग्लास में से कैसे निकालने हैं, चक्कू से साइड से अगर निकल जाते हैं तो इसको हटा दीजिएगा और इसको हमें चक्कू से बस हल्का हल्का से इस तरफ से चारों तरफ से कर लेना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और बस पीछे से हल्का सा हमें टैप करना है और फिर ये आराम से निकल जाता है। और देख रहे होंगे
ये हमारा ग्लास का ढोकला बनके तैयार हो चुका है। कितना स्पंजी सॉफ्ट आपको दिख रहा होगा, इसका कलर कितना फाइन है। और आप इसको मैं दबा के दिखाती हूँ और आप देख रहे होंगे कितना ही सॉफ्ट और कितना ही मुलायम, ये देख सकते हैं चारों तरफ से और ऊपर से भी आप देख सकते हैं। ढोकला हमारा बनके तैयार हो चुका है, कितना सॉफ्ट है, कितना जालीदार है और बहुत ही बाजार से भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल हलवाई को भी आप फेल कर दे। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, मैं दबा के दिखा रही हूँ और इस तरह से बिल्कुल ही सॉफ्ट है। और मैं आपको काट के दिखाती हूँ, इस तरह से हमें काट लेना है स्लाइस वाले ढोकले और बहुत ही नाजुक बने हैं और आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी जाली आ रही है। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, मैं पास से दिखाती हूँ कटने के बाद भी कितना सॉफ्ट बना है, कितना स्पंजी है, हाथ लगते ही टूट रहा है इसमें। इस तरह से मैं सारी स्लाइस काट लूंगी। तड़के के लिए मैंने यहाँ एक पैन रखा है, यहाँ पे 2 चम्मच हमें तेल डालना है। यहाँ तेल गरम हो गया, यहाँ मैंने 2 चुटकी हींग ली है और आधा छोटा चम्मच मैंने सरसों के दाने लिए, इन्हें दोनों को डाल देना है। और साथ में यहाँ पे मैंने 6-7 हरी मिर्च बारीक 2 लंबे पीस काट लिए, इन्हें भी हमें डाल देना है। और थोड़े से यहाँ पे मैंने 1/2 छोटा चम्मच नमक लिया था, थोड़ा सा 1/2 छोटे चम्मच से भी कम। और यहाँ मैंने थोड़े से करी पत्ते ताजे वाले लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश लिए हैं, सूखे नहीं लिए हैं, इन्हें भी हमें डाल देना है। यहाँ मिर्च हमारी हल्की सी पक चुकी है। अब यहाँ पे मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ और साथ में यहाँ पे 2 टीस्पून में यहाँ चीनी डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं 1/2 नींबू का रस डाल रही हूँ। ये मैंने नींबू का रस फ्रिज में जमा रखा है, इसका वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं नींबू रखने का। तो ये 1/2 है तो भी हमें डाल देना है और 1 उबाल लेना है पानी में। और यहाँ पे हमारा तड़का तैयार है, यहाँ उबाल आ चुका है। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। इस तरह से कटे हुए स्लाइस के ढोकलों में हमें पानी डाल देना है और आप देख सकते हैं इस तरह से ये पीता जाएगा पानी और ढोकला जितना पानी पीता है उतना सॉफ्ट हो जाएगा। और पानी हमेशा गुनगुना होना चाहिए, बिल्कुल भी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा गर्म होगा तो ये ढोकला टूट जाएगा। और आप देख रहे होंगे डालते ही हमारा पानी अच्छी तरह से ये पीता चला जा रहा है। आप गिलास के ऐसा ढोकला बना के खाएंगे, बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। और मैंने माइक्रोवेवन का भी आपको बना के दिखाया है, बिल्कुल ही आप इसको माइक्रोवेवन वाले को ऐसे भी खा सकते हैं चम्मच से, और आपका मन चाहे तो निकाल के भी खा सकते हैं। निकालने में भी ये आप देख रहे होंगे निकल जाता है बहुत आराम से। और ये तो इस तरह से आप कैसे भी खा सकते हैं इसको। आप ऊपर से थोड़ा सा सजाने के लिए आप चाहें तो इसमें नारियल है, थोड़ा सा नारियल भी डाल सकते हैं, धनिया और से सजा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय। आज की टिप्स ये है कि ढोकला में बनाते समय 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे खाने का सोडा डाला है, इससे ज्यादा नहीं डालना है। और डालने के बाद इसे 20 सेकंड तक अच्छी तरह से मिलाना है, जिससे कि कई बार सोडा से लाल कलर आ जाता है वो नहीं आएगा। आप अच्छी तरह से मिलाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आपको जब हमें ढोकला बनाते समय बिल्कुल 15 से 20 मिनट में मीडियम गैस पे करना है और छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखेंगे आपका ढोकला बिल्कुल अच्छी तरह से बनेगा। जो मैंने नाप बताया है उस नाप से बनाइएगा, आपका बाजार से भी अच्छा ढोकला बनेगा। और आप